आ रहा है कि बता नहीं सकते यार, सब तरह बर्फ बर्फ बर्फ। आई एम फील सो हैप्पी, सो लकी, पता नहीं क्या बोले आपको, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इनका खाना प्लेन रहता है, ये लोग तो मसाला खाते हैं। ये सूप है काफी ज्यादा, एकदम प्लेन है। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे इनका चर्च, और इनके बाहर में देखो ये बर्फ है ऐसा। ओहो, अब हाथ में ठंडा लग रहा है, हमने ग्लव्स भी नहीं लिया है ना, लेकिन देखो भाई इनका हर तरफ बर्फ ही बर्फ। आपको सामने जो दिख रहा है ये देखिए है, लग रहा है रबड़ का है ना, लेकिन ये रबड़ का नहीं है दोस्तों, ये है फुल मेटल का, इसका डिज़ाइन देखो, हमें भी लग रहा था लेकिन ये है मेटल और इसका डिज़ाइन अमेजिंग। तो ये इनका बाहर में चर्च है, और इनके इधर बाहर में मेन एरिया है, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है ना वो है, लेकिन यहाँ पे देखो वैसा भीड़ नहीं है जैसे इंडिया में रहता है ना, कि भाई मेरा ये काम करवा दो ये काम करवा दो, इसलिए यहाँ सब लोग ईमानदार हैं, लूट नहीं है, टेंशन फ्री है, जो आओ अपना काम बस करो और फिर चले जाओ। और यहाँ के लोग देखो एकदम शांति है, एकदम शांति, इनका चर्च है। दोस्तों आज अभी हम ग्लव्स लाना भूल गए हैं, तो मेरा हाथ लग रहा है पूरा जम के ठोस हो जाएगा, तो ज़्यादा बिटी, और बैटरी तो इतना जल्दी डिस्चार्ज होता है यहाँ पर कि कुछ नहीं। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से चलना शुरू कर दिए हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे अगर जैसे हम लोग का बच्चा होता है गाड़ी में, तो उसको गोदी में बैठा देते हैं, लेकिन वो लोग प्रीफर करते हैं कि तुम अलग से बैठो, अपना मतलब बैठने में कम्फर्टेबल हो, देखो उनके लिए पीछे अलग से उन्होंने उनका चेयर लगा रखा है, उसमें भी एयर बैग है ना, देखो ये आराम से यहाँ बैठा हुआ है, और ये तो अपना मूवी देख रहा है, ये इधर मेरा होस्ट गाड़ी चला रहे हैं, और ये इधर से यहीं से भी हम लोग आए थे। और देखिए यार ये बता रहे थे जो इनका डिजाइन, इनका जो ये है एनिमल लोगो बियर का, देखिए इनका वहाँ पर जो दिख रहा है उसमें बियर का भी लगा हुआ है, तो इनका इनके हर जो भी गेट है ग्रिल है हर जगह इनका यहाँ पे वो बियर वाला लोगो डिज़ाइन होगा। देखो यहाँ पर इनका बियर का तो अगर दिख रहा होगा, तो ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है यहाँ पर, और यहाँ का लोगों का रहने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, यहाँ के लोगों को टेंशन फ्री है, आराम से रहो, मौज करो, काम पे जाओ। तो बताना था ये जो पिघलने वाला जो बर्फ होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, कल तो एक बार हम गिर ही गए थे, और ये देखिए सब तरफ पूरा फ्रोजन है, पूरा जमा हुआ है, ये देखिए। आपको जो पीछे दिख रहा है वो पूरा फ्रीजिंग फ्रीज हुआ रिवर है, और ये देखो ये आपको दिख रहा है एक आदमी बैठा हुआ है मछली पकड़ रहा है, उधर भी दिख बहुत सारा जो आदमी दिख रहे हैं वो सारे कोई मछली पकड़ रहे हैं, और ये है ये नदी पूरा बर्फ से जम गया। देखो बंदा लोग फिशिंग कर रहा है, पूरा नदी जम गया है। दोस्तों हमको इतना मजा आ रहा है कि बता नहीं सकते यार, सब तरफ बर्फ बर्फ बर्फ। आई एम फील सो हैप्पी,
सो लकी पता नहीं क्या बोले आपको, बहुत मजा आ रहा, बहुत बहुत। और देखो बंदा ने लगता मछली पकड़ा है, ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन लोग यहाँ खूब मस्ती करते हैं। शुरू में लग रहा था कि बहुत नरम होगा, पैर घुस जाएगा, लेकिन ये हार्ड है। जैसे देखो ये पैर मार रहे हैं ना, ऐसे कर रहे हैं तब, लेकिन इधर रख रहे हैं, देखिए पैर ऐसा कुछ होता नहीं है, पूरा रास्ता ऐसा बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होता है चलने में, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं चलेंगे तो आप गिर भी सकते हैं, इसलिए चलने समय थोड़ा ध्यान से चलना है, बाकी सब नॉर्मल है। तो अभी है मेरे होस्ट ने मुझे रेस्टोरेंट लाया खाना के लिए, और ये हमारे होस्ट हैं और ये हमारा वेटर है। ये अभी हमारे ले मुझे ऑर्डर ले रही है, तो बता रहे थे ये रेस्टोरेंट का नाम है कसक आया, ये वो फेमस है और इसका मतलब होता है फेरी टेल। दोस्तों मैंने तो इनको सिंपल पानी का ऑर्डर किया था और इन्होंने ये पानी लेते आए हैं, ये है जॉर्जिया का वाटर बॉटल, ठीक है, इतना सा पानी का दाम है 200 रुपये। देखते हैं हमने बोला क्यों ऐसा इतना महंगा पानी क्यों मिल रहा है, तो बोला नहीं आप गेस्ट हो चलो ठीक है, नहीं यार ठीक नहीं लगता है इतना महंगा पानी, तो इससे तो हमें लगते हैं कि हमें चाय ही मंगा लेना चाहिए था। सूप है ये, बटर लगा के प्लेन रहता है, ये लोग तो मसाला खाते हैं, ये सूप है काफ़ी ज़्यादा एकदम प्लेन है, ये उनका सूप है, ये ब्रेड है। ये है रशियन सूप, अगर इसमें नमक कम है तो ये देखो ये लग रहा साबुन की तरह है, लेकिन ये देखो नमक डाल, इसका डिज़ाइन देखो तो अमेजिंग है। सॉस लाइक मेयोनेज़ यू नो, सॉस म्यूनिख, या लाइक जस्ट मिल्क। ब्रेड में ये बटर मिला है, इसको ऐसा खाते हैं फिर इसको पीते हैं। This egg is too small. This is it is tilapia. Hai inka anda dekho kitna chota sa. It is no chicken, it is yeah, one second. Humko lagta hai ye uska anda hoga, kya bolte hain? Duck. No. Dove. It is यह है मेन कोर्स,
ओके गेहूं जैसा ये तो चूड़ा ये थोड़ा मीठा है इट्स लाइक स्वीट्स स्वीट्स या लाइक राइस और ये है चिकन लेकिन ये इधर का लोकल है टेस्ट कुछ अजीब टेस्ट है तब तक यही खा लेते हैं उन्होंने बताया कि आज 1 मार्च है मतलब स्प्रिंग शुरू होने वाला है उन्होंने उसके स्पेशल खाना मुझे ऑर्डर कर दिया है उनका थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों ये होटल से निकल रहे हैं हमें लंच करके दिस फूड इज गुड और ये बहुत यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट था लेकिन हम लोग को इंडियन खाना का आदत है तो थोड़ा या आई एम ऑल्सो माई स्टोमक इज फुल और मेरा पूरा पेट भर गया तो हम सोच रहे हैं हम घर ही चला जाए यार बहुत समय हो चुका है ये दोस्तों ये देख ये मॉस्को में भी था यारोस्लावल में भी है और क्या बोले अब देखते हैं आगे भी जहाँ होगा यहाँ पे एक चीज़ देखे कि जैसे हम लोग इंडिया में होता है हमें जल्दी जाने में रहता है लेकिन यहाँ पर अगर आगे से कोई आ रहा है जगह नहीं है तो आदमी रुकता है मतलब आगे वालों को मतलब आने के लिए जगह देता है ये नहीं हम जैसे कम शायद रो भाई भगा भगा वैसा नहीं है यहाँ पे लोग गाड़ी चलाने वालों को इज्जत करते हैं जगह देते हैं पास देते हैं ऐसा नहीं कि आगे घुसा दिया जगह नहीं है चलो साइड से निकालो ऐसा नहीं है यहाँ पे अगर आप आ रहे हो अगर आपके पास जगह नहीं तो आगे वाला गाड़ी रुकेगा ये अच्छा है तो अभी हम आ गए हैं मेरा होस्ट का मतलब 2-3 प्रकार का काम है एक इनका ये भी है कैफ़े है यहाँ पे लोग टाइम पास करने आ सकते हैं चाय पी सकते हैं दारू पी सकते हैं गेम खेल सकते हैं मतलब अच्छा है और इनका नाम है योर ऑफिस नेम इज ब्रांड नेम चेक इन या ये चेक इन नाम है ये देखो इनका ये टू दे देते हम तो सोचे ऐसे ही है तो हम ये कपड़ा पहन के आ गए लेकिन इनका देखो ये है इनका हुका सेंटर ओ यहाँ के लोग चील करते हैं हुक्का पियो इधर तरह तरह का है ये इनका यहाँ पर आके आपको एंट्री कराना है यहाँ के कपड़ा रखना है इधर बैठो इधर इनका प्ले स्टेशन है यहाँ आके चाय पी सकते हो मस्ती कर सकते हो जो भी बात करना है टाइम पास के लिए अगर कुछ काम है काम कर सकते हो जी इनका ऑफिस है मतलब ऑफिस क्या है जैसे यहाँ पर कोई आया अपना बैठा चाय पिया खाया जो भी किया मस्ती किया अगर आप फ्री हो तो यहाँ आ गए बैठे ग्रुप में हैं इधर भी एक प्ले स्टेशन है इनका ये होते हैं रसियन इनका दिमाग देखो अलग ही होता है खाओ पियो मस्ती करो और हम सोचते एक होटल खोल देंगे तो बहुत अच्छा होगा और इन्होंने तो ताजमहल का ड्राइंग है इनके पास ताजमहल पेरिस यही हमें तो मज़ा आ गया इनका मतलब इसीलिए हम दुनिया घूमना चाहते थे कि लोग बाहर के लोग क्या सोचते हैं अपना बिजनेस के बारे में उनका सोचने का तरीका ही अलग है यहाँ तरह तरह के बच्चों को खेलने का है बच्चों के लिए भी है यहाँ भी है ओह यहाँ भी प्ले स्टेशन है इधर भी प्ले स्टेशन है यहाँ टाइम पास के लिए है मस्ती के लिए है और दैट्स ग्रेट यार
your cafe is good and unique. Yeah. तो ये इनका मेनू कार्ड है। आप प्ले स्टेशन में गेम खेलोगे 2 रुपये पर मिनट है। चाय कॉफ़ी का तो पता नहीं। ये हुक्का का है 290 रुपया। कोबरा ये वो लोग मलेशियन लोगे तो 290 रुपया का है। 390 रुपये का ये सब। ये है अगर तुम कोल्ड ड्रिंक ये सॉरी बियर लेना चाहते हो या वाइन लेना चाहते हो जो कोल्ड ड्रिंक दोनों सेम प्राइस में। लेकिन ये इनका इनका डिज़ाइन देखो, ये लोग को सोचने का तरीका अलग होता है। भाई इनका ये कैफे है, ये दिन भर ये चिल करते हैं। कभी हुक्का पीते हैं, कभी गेम खेलते हैं, मतलब जो मन किया मस्ती करो। इनका काम ही है मस्ती वाला, ये होता है भाई रशियन लाइफ। लेकिन ये मुझे भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना पीता ही नहीं हुक्का। यहाँ पे है हुक्का पीने आते हैं लोग, चाय पीने आते हैं, दारू पीने आते हैं, मस्ती करने आते हैं। इनका काम ही है मस्ती कराने वाला। हरी है या आई एम ट्राई पानी पी लेते। ये है इस पर ये हुक्का में लगा लेते हैं तो ये दिस टाइम भाई अब से सोचते हैं गोविंद देखो Thank you so much. Thank you.